और ये एक ओवर में 32 रन। तगड़ा शॉट। गाइस स्वागत है आपका प्ले विद क्रिश की एक और नई वीडियो में। तो गाइस रियल क्रिकेट 22 अब बन चुकी है रियल क्रिकेट 24, तो अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कीजिए। अब दोस्तों काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई रियल क्रिकेट 24 अपडेट तो कर लिया, बट यार बैटिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, बैटिंग कैसे करे, 6-4 कैसे मारे, रन्स कैसे बनाए। तो यार आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप RC24 में आसानी से बैटिंग कर सकते हैं। बट गाइस उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों दो टाइप के बॉलर होते हैं, एक पेसर एक स्पिनर। जब पेसर आपको बॉल डाले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लॉफ्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखना है कि आपके ओपोनेंट ने फील्डिंग कैसे सेट की है। अब जैसे ही बॉलर बॉल को हाथ से रिलीज करेगा आपको फ्रंट फुट या बैक फुट बॉल की पोजिशन के हिसाब से दबा देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉल पैरों के पास पिच की, तो फ्रंट फुट आपको दबाना है और यहाँ पे आपको आसानी से सिक्स मिल जाएगा। शानदार शॉट, दिल खुश हो गया ये शॉट देखकर। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉल जो है वो काफी शॉर्ट पिच कर रही है, तो आपको लॉफ्ट दबाना है। इसके बाद दोस्तों शॉर्ट बॉल खेलने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्शन चूज कर लेनी है फील्डिंग के हिसाब से, और पेसर जैसे बॉल रिलीज करे तुरंत आपको बैक फुट दबाना है और आप लंबा छक्का मार पाएंगे। अब दोस्तों जब एक स्पिनर आपको बॉल डाले तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको लॉफ्ट दबाना है, ऊपर आपको फील्डिंग देखनी है कि कहाँ पे फील्डर्स खड़े हैं और उस हिसाब से आपको डायरेक्शन चूज करनी है। और जैसे बॉलर बॉल को अपने हाथ से रिलीज करेगा और बॉल बिल्कुल सेंटर में आएगी पिच के, तो 2 सेकंड रुक के आपको फ्रंट फुट या बैक फुट चूज करना है बॉल की पोजिशन के हिसाब से, और यहाँ पे लंबा छक्का आपको मिल जाएगा। और अगर आप पुश या स्ट्रोक पे क्लिक करके खेलते हैं तो ऐसे में आप सिंगल्स डबल्स और चौका मार सकते हैं, बट सिक्स के लिए आपको लॉफ्ट का ही यूज करना पड़ेगा।